बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम CBSE के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर जो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की तरफ से जो बयान आया था कि अब CBSE की कॉपीज चेक होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं जिनकी कॉपीज़ अभी तक चेक नहीं हो पाई है, CBSE का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। और जो शिक्षक हैं जिनको कॉपी चेक करने की जिम्मेवारी है, वो उनके घर पर सभी कॉपीज़ पहुंच जाएंगी और वो घर पर ही उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद इवेल्यूएट करेंगे और वो फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे। जितनी भी कॉपीज़ हैं लगभग एक महीने के अंदर उनको उन्होंने गाइडलाइंस दिया था कि एक महीने के अंदर सारी कॉपीज़ की जांच पूरी हो जानी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे CBSE ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस है पटना का, जो कि कंटेनमेंट जोन में आता है, रेड जोन में आता है। तो रेड जोन में आने की वजह से जो भी सरकारी दफ्तर हैं वो इस वक्त बंद हैं और खुल नहीं सकते हैं। तो आखिर एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि किस तरह से, जैसे पटना में जो कॉपीज़, जो बिहार रीजनल ऑफिस है पटना में, अगर कॉपीज़ यहाँ से चेक भेजी जाती है किसी भी जगह, तो आखिर किस तरह से भेजी जाएगी, क्योंकि ऑफिस अभी बंद है। कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से, रेड जोन में आने की वजह से ऑफिस बंद है। तो आखिर क्या इंतज़ाम किए गए हैं इसको लेकर, इस पर आज बहस होनी है और आज आपको इसका पता चल जाएगा कि किस तरह से बिहार की जो रीजनल कॉपीज़ हैं वो यहाँ पर लोगों तक, शिक्षकों तक कैसे पहुँचेगी। तो ये दफ्तर है CBSE का, जहाँ पर ये बिहार की जो कॉपीज़ हैं वो यहीं के द्वारा भेजी जाती है और जो भी काम होता है, रीजनल काम जो होता है बिहार का, वो सभी इसी दफ्तर के द्वारा किया जाता है। अभी तक जो CBSE की कॉपीज़ हैं वो अब तक चेक नहीं हुई है। ये ऑफिस है और ये रेड जोन में आने की वजह से, कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से बंद है, जिस तरह से HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कहा है कि जल्द ही कॉपीज़ की जांच कर ली जाएगी और बच्चों का रिजल्ट घोषित करने के लिए जल्द ही, जल्द से जल्द जो तैयारियाँ वो की जा रही हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी ऑफिस यहाँ पर बंद है, तो आखिर बिहार रीजन की जो कॉपीज़ हैं वो कैसे चेक होगी, क्योंकि बिहार रीजन की सारी जो गतिविधियां हैं CBSE की, वो इसी ऑफिस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यहीं से मॉनिटर की जाती है और यहीं से वो कॉपीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहां से भेजी जाते हैं। अब तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि किस तरह से यहां से कॉपीज़ भेजी जाएंगी। आखिर यहां के जो बिहार के टीचर्स हैं, जो कि कॉपीज़ चेक करने के लिए जो जिम्मेवारी जिनको मिली है, उनके पास तक क्या अब तक इंस्ट्रक्शंस गए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन CBSE को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर बिहार रीजन की जो कॉपीज़ हैं वो किस तरीके से चेक की जाएगी। बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।